TV27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। उत्तर प्रदेश में फाइनली सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी कुल 17 सीटें देने को तैयार हो गई है। जानकारों की माने तो इन 17 सीटों में करीब 10 सीटें हारने वाली हो सकती है, पर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसी के भी कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं होते। हालांकि अन्य जिन सीटों को कांग्रेस ने हासिल करने में सफलता पाई है, उससे कांग्रेस का ग्राफ समाजवादी पार्टी के मुकाबले बेहतर होता दिख रहा है। अगर राम मंदिर के चलते बीजेपी के पक्ष में हवा चलती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर यूपी में गठबंधन करके समाजवादी पार्टी पछता रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस गठबंधन से किसे फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार 2017 के अलायंस में समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। सपा ने कांग्रेस को 400 में से 105 सीटें दी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। अब सवाल ये है कि क्या इस गठबंधन से कांग्रेस को यूपी में कोई फायदा मिलेगा? क्या अपना खोया जनाधार कांग्रेस इस गठबंधन से तलाश पाएगी, या फिर सपा एक बार फिर गठबंधन की आड़ में खुद को मजबूत करेगी? करेंगे इसी पर चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरफ कमल ही कमल जनता को दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के मुकाबले 5% भी मत इनको हासिल कर पाना बड़ा कठिन हो जाएगा, और ये सब एक बड़े शून्य की तरफ जाएंगे जब बैलेंस शीट 2024 लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देगी। उस समय ये सब सच के आईने में अपनी सूरत देखेंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि ये सब एनडीए के मुकाबले कहीं नहीं था। जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से यादव वोट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ही समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से पीडीए पंचायतें हो रही हैं, जिस तरीके से पीडीए रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही राज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और रजा रिजवी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसको लेकर के इन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आशीष तिवारी जी, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मान रहे हैं जो ये गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ है, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए, अगर हम चुनौती की बात करें तो चुनौती तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और चुनौती हमारी हमसे ही है, क्योंकि हम अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 400 पार से हम कितना आगे ले जाए, ये हमारे लिए चुनौती है। विपक्ष जो है इस समय, आप सभी लोग जान रहे हैं, जनता जान रही है कि विपक्ष ने काम कुछ ऐसे नहीं करे थे, उसकी वजह से ये बाहर हुए थे सत्ता से। आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, ये सारी बातें बताएंगे, लेकिन चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं हमने कुछ नहीं करा, जो करा वो जनता जान रही, जो योजनाएं वो सब जनता जान रही, लेकिन आप हमको कोसने के अलावा आप क्या बताएंगे जनता को कि आपने उनके लिए क्या करा है, आपको वो क्यों वोट दे? तो आप इसे कोई चुनौती नहीं मानते हैं आशीष जी? कोई चुनौती नहीं इससे पेश होने वाली अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आ रहे हैं? राज शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, ये जो गठबंधन हुआ है, क्या किस आधार पर ये गठबंधन हुआ है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब देश में या किसी घर पे या प्रदेश में या मोहल्ले में जब जनता को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लूटने में लगी हो, तो तब विपक्षी दलों का धर्म बन जाता है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में आकर एक आपसी माहौल बनाकर चुनाव लड़े। जी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई सन 2014 से, मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं कि कुछ हमसे गलतियां हो गई होंगी अनजाने वश, किसी भी तरह
पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, पब्लिक ने इन लोगों को चांस दिया। और इसमें भी गुरेज नहीं करूंगा कि बहुत ही प्यार से मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया था, लेकिन अब जनता को लगने लगा, देश की महिलाओं को लगने लगा, छात्रों को लगने लगा, जो नौकरी पाने की उम्र में चल रहे थे उनको लगने लगा कि हमें तो चला गया। तो ये सब चीजें जब कंक्लूड होंगी तो निश्चित रूप से जब आप वोट डालने जाएगा, वो लड़का जब वोट डालने जाएगा जिसने 2014 में जब इन्होंने वोट मांगा था का अपना पहला वोट राष्ट्रवाद के नाम, बच्चा था 18 साल का, उसने कहा चलो दे दो, बड़ी अच्छी दाढ़ी सेट करके बोलते हैं दे दो, दे दिया, कुछ नहीं हुआ। अभी बच्चा जब तक समझता, इन्होंने 2019 में क्या कह दिया, अब की बार आपका एक वोट पुलवामा के शहीदों के लिए। बच्चे को लगा दे दो भाई, मेरे से ही कोई बोले दे दे तो दे देंगे क्योंकि सैनिक है जी। अब जब चुन लिया 10 साल तो लोगों को लगा पुलवामा के शहीदों के नाम जिस सरकार ने वोट मांगा था वही सरकार अब सेना को प्राइवेट कर रही है, 4 साल कर रही है। कौन करेगा उस लड़के से शादी बताइए जो 21-22 साल का भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा, कौन करेगा बताइए जी। तो ये चीजें छोड़िए, महिलाओं की, जैसे महिलाओं की सुरक्षा कहां पे, जिसके संग रेप होता है वो महिला थाने जाती है, दरोगा जी कहते हैं कंप्रोमाइज कर ले जी। जो व्यापारी गोरखपुर में कोई काम करता है उसका एनकाउंटर जौनपुर में कर देगी या सुल्तानपुर पे कर देगी जी। राज शर्मा जी, तो आप कहते हैं जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और जनता के साथ भाई मुझे 2-4 वादे बता दो जो जी। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय रजा रिजवी जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। रजा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि आशीष जी कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है और ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके उन पर दोषारोपण करेंगे, और साथ में वहीं राज शर्मा जी कहते हैं कि इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को भी पूरा नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं और जो भी इन्होंने वादा किया पूरा नहीं किया है। आप कैसे देखते हैं इस अलायंस को? देखिए, आपने जो बात की है वो ये कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो गठबंधन कहां तक सक्सेस होगा। अब जैसे आप देखिए बिल्कुल साफ वाजे है कि कांग्रेस को 17 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी के गठबंधन में मिली है। रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर नगर है, फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर है, प्रयागराज है, महाराजगंज है, वाराणसी है, अमरोहा है, झांसी है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, मथुरा है, सीतापुर है, बाराबंकी, देवरिया। अब इन 17 सीटों के अंदर एक सीट खाली रायबरेली कांग्रेस जीती है और सहारनपुर जी। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे रजा जी, ये एससीए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, क्या कहेंगे आप? सीए के लेकर अधिसूचना जारी हो गई है जी, कंफर्म जी? बिल्कुल, अच्छा तो बिल्कुल कंफर्म है। अभी अभी खबर आई है कि सीए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सीए की जो अधिसूचना जारी हुई है इस पर मैं मुसलमान होने के नाते मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष के लोग उनको घबराहट पैदा कर रहे हैं मुसलमानों को उनके बीच में कि साहब अब सीए से जो है वो मुसलमान जो है कैसे रहेगा, वो कैसे रहेगा, परेशान हो जाएगा, कतई ये डरने की जरूरत नहीं किसी मुसलमान को। सीए जो है वो साफ है, कई बार बताया जा चुका है कि जो पाकिस्तान में, जो जो है वो बांग्लादेश में और जो अफगानिस्तान में, जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, जो जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो परेशान किए जा रहे हैं, वो अगर हिंदुस्तान में आएंगे तो हिंदुस्तान में आने के बाद उनको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार उनको जो है नागरिकता दे देगी। उनकी नागरिकता की बात है, यहाँ ये बात नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता की बात है। ये तो सीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। जी रजा जी, आपसे समझना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि ये सीए आखिर क्या है और किस तरह की अधिसूचना जारी की गई है। देखिए, सीए जो है वो नागरिक संहिता है कि जो है वो कैसे, मतलब जो है वो मतलब नागरिक संहिता ये है कि जो देश के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर जो आम लोग हैं उनको ये से कोई डरने की जरूरत नहीं।
और न कोई परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि ये एक नागरिकता का सवाल है। और नागरिकता का सवाल ये है नीता जी, कि जो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई परेशान किए जा रहे हैं, और वहां से अगर वो नागरिकता लेना चाहें तो हिंदुस्तान आकर के नागरिकता लेकर के यहाँ बस सकते हैं। बहुत से दुनियाओं को इस पर सीखना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बताएं। बहुत से मुल्क को तो इससे सीखना चाहिए कि जैसे अफगानिस्तान में मुसलमान पीटा जा रहा है, मारे जा रहे हैं, तो सऊदी को खड़े होकर कहना चाहिए, जाओ भाई तुम मुसलमान के लोग हो, तुम्हें हम नागरिकता दे रहे हैं। ईरान को खड़े होकर कहना चाहिए कि भाई हम चलिए मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान रहते हैं 97%, आओ भाई तुम्हें जो है अफगानिस्तान में तुम्हें फलाना मुल्क जो है परेशान कर रहा, हम नागरिकता दे रहे। कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इसको तो तारीफ करना चाहिए, इसको बधाई देना चाहिए मोदी जी को, और इस सरकार को कमल देना चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को देखा कि अगर वो अगर इसमें तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो वो अगर हिंदुस्तान में आकर के नागरिकता लेना चाहते हैं तो नागरिकता लेंगे, और नागरिकता लेकर के यहाँ आजादी खुशी रहेंगे। जी रजा जी, किस तरह का इम्पैक्ट इसका पड़ेगा अगर हम देश में बात करें? एक बार फिर से अपनी व्यूअर्स को बता दें कि सीए को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है, किस तरह का इम्पैक्ट इसका होगा रजा जी? देखिए, इसका इम्पैक्ट अगर इसको आप ये समझ लीजिए कि मुसलमानों को डरवाने की बात है, तो कतई मुसलमानों की जरूरत नहीं, और ये बहुत अच्छा है, ये अगर लागू हो रहा है तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। सरकार कोई भी कानून जो लाती है ये सबको विदित होना चाहिए, जितने लोग देश में रहने वाले हैं, सरकार कोई भी कानून लाती है तो किसी के नुकसान को देखते हुए कानून नहीं लाती है, देश के फायदे के लिए, आम जन के फायदे के लिए सोच करके कानून बनाया जाता है। कानून किसी को दर्द देने के लिए नहीं बनाया जाता, किसी को नुकसान नहीं बनता, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया जाता। कानून आम जनता के लाभ के लिए बनाया जाता है, सरकार उसको सोचती है, उसको बुरा भाव करती है, और कभी कभी सरकारों से कुछ गलती भी होती है कानून बनाने में। जी, जैसे किसानों का मसला था। बिल्कुल रजा जी, तो आप बिल्कुल इसका वेलकम कर रहे हैं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, बहुत बड़ा फैसला है ये। हमारे साथ इस समय ग्रुप एडिटर आलोक द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका व्यू जानना चाहेंगे, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। आलोक जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नीता जी? बोलिए जी। जैसे कि रजा जी कह रहे हैं कि सीए की अधिसूचना जारी की गई है, और ये एक बहुत ही स्वागत इसका वो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर ये है देश के लिए, आप क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, दिसंबर 2023 में ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के साथ एक कमिटमेंट किया था, और मुझे तारीख भी याद है, 27 दिसंबर, जिस दिन अमित शाह जी ने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में CAA लेकर आएंगे, और मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट तो उन्होंने देश के साथ पूरा किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार इंडिकेशन दिए गए कि वो CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू कराएंगे, और वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं साफ दिख रहे हैं, और आज CAA की अधिसूचना भी जारी हो गई है। 5 साल पहले हाउस में इसे पास कराया जा चुका था, और उसके बाद लागू करने की जब बारी आई थी तो देश में कई जगह आंदोलन हुए, और उसके बाद फिर कोरोना आ गया था, और कोरोना की वजह से इसे रोक देना पड़ा था। जी, मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट दिसंबर 2023 में, यानी कि अभी 3 महीने, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही अमित शाह जी की तरफ से किया गया था, वो कमिटमेंट अब जमीन पर दिखेगा। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA की अधिसूचना आज जारी हो गई, जैसा कि कमिटमेंट किया गया था सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वो अब सामने दिख रहा है, और निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा इस चुनाव में NDA गठबंधन को, बीजेपी को मिलने वाला है। जी आलोक जी, बिल्कुल, ये समय जबकि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं कि इस समय जब CAA की अधिसूचना जारी की गई है, कितना फायदा इसको बीजेपी को मिलेगा इसका? बार बार ये कहा जा रहा था कि CAA लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा, और लागू हो गया है, आज से लागू हो गया है। अब एक देश में एक कानून, ये नागरिकता संशोधन कानून जिसकी बार बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी थोड़े दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा कि इसको उत्तराखंड राज्य ने लागू किया अपने यहाँ। अब ये
देश स्तर पर लागू होगा, यानी कि सभी राज्यों को लागू करना अब इसकी एक तरीके से कंपलसरी होगा और अब पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन कानून। और निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को मिलने वाला है। और अभी थोड़े दिनों पहले ही बंगाल से एक केंद्रीय मंत्री शांतनु, उन्होंने भी इस बात का कमिटमेंट किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित रूप से सीएए लागू किया जाएगा। और दिसंबर 2023 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मुझे तो तारीख भी बार बार याद आती है, 27 दिसंबर को जब अमित शाह ने बंगाल की धरती से कहा था कि वो सीएए जरूर लागू करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे, वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं जमीन पर देखता नजर आ रहा है। और जहां तक चुनाव में पार्टी की बात है तो निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। हालांकि ये लागू 5 साल पहले ही संसद में पास हो गया था, क्योंकि उसके बाद देश भर में आंदोलन शुरू हो गए और उसके बाद फिर कोरोना काल शुरू हो गया, इसलिए इसको डिले किया गया। और उसके बाद अब आज नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सूचना गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हो गई है और अब ये कानून प्रातन पर देखेगा जिसका बड़ा फायदा मिलेगा। कई सारे जो हमारे यहाँ शरणार्थी है, चाहे वो अफगानिस्तान से हिंदू शरणार्थी हो या फिर बांग्लादेश के जो हिंदू शरणार्थी है, उन अन्य देशों के म्यांमार वगैरह के जो हिंदू शरणार्थी है, उनको यहाँ पर यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसके बड़े फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं, उन फायदों का जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया गया है। और ये निश्चित रूप से इन फायदों को हम लोग देख सकेंगे। और जो इस तरीके की चाहे बांग्लादेश में शरणार्थी रह रहे हों, शरणार्थी रह रहा हूँ या फिर अन्य राज्यों में जो हिंदू शरणार्थी है, उन सबको भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें इसका लाभ मिलकर हम लोग देख सकेंगे। जी धन्यवाद आलोक जी, आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए। एक बार फिर अपने व्यूअर्स को बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है, सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इससे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता अब हिंदुस्तान की, भारत की मिल सकती है। तो हमारे साथ इस समय 3 मेहमान मौजूद हैं। आशीष तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही राज शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और रजा रिजवी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको बता दें कि सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रजा रिजवी जी ने तो बिल्कुल इसका स्वागत किया है, इस जो ये अधिसूचना लागू की गई है उसका। आप क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन राज शर्मा जी? नहीं बताया, मुझे अभी पता है कि अधिसूचना जारी हो गई और मैं क्योंकि प्रवक्ता हूं, मैं बिना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कोई बिना कि क्या गाइडलाइंस है हमारे बोलने के लिए, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता जी, क्योंकि मुझे वही पार्टी के ही पाथ पे चलना है। पार्टी का जो स्टैंड होगा वही मेरा स्टैंड होगा। और अभी क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कई बार कहा था सीए बस नीयत साफ होनी चाहिए और नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज है। मगर सबसे दुख की बात बस इतनी होती है कि जब आदमी के पीछे की नीयत में खोट दिखने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी अगर आज कल परसों होगी डिबेट तो उसमें बोला जाएगा सीए के बारे में, बहुत जम के बोला जाएगा कि क्या हमारा स्टैंड क्या है। क्योंकि अभी तो मुझे ही पता चला, आपसे ही पता चला, पहले पता चला था शायद आज कर दे, लेकिन बस इतना तो लगता है कि थोड़ा सा नौकरियों की, जो आज मेरी भी किसी से बात हो रही थी तो उस बच्ची ने कहा कि मैंने सारे पेपर क्लियर करके मगर बस वैकेंसियां ही नहीं निकल रही। तो मैंने माथे पे हाथ मार लिया, मैंने कहा वैकेंसी नहीं निकल रही, सारी जगह तो वैकेंसियां खाली हैं। हॉस्पिटल माध्यमिक शिक्षा में कहीं टीचर पूरे नहीं है और ये यूपी के तो स्पेशल 80% जो जिला अस्पताल है वहां पे 10% भी डॉक्टर नहीं है। अगर जहां पे 17 MD होने चाहिए थे वहां 2 हैं, जहां 35 होने चाहिए थे वहां 12 हैं। और ऐसी जगह बता दूंगा आपको कि जहां इनके जहां पे हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं यूपी के, वहां पे नोएडा से डॉक्टर आता ही नहीं है जी। और ऐसा बता दूंगा जो 2017 से पहले एक लोहिया अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर बना था जिसे कहते हैं वो मैक्स जैसे हॉस्पिटल से भी अच्छा था, लेकिन जब से योगी सरकार आई उसका ताला नहीं खुला है। मैं ऑथेंटिक बात कहूंगा कि ताला तक नहीं खुला है। तो इन चीजों में भी ध्यान दिया जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल आशीष जी, कई सारे सवाल राज शर्मा जी यहाँ पर उठा रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं हैं, ताला लगा हुआ है। अगर बात करें अस्पतालों की, साथ में अगर हम यूपी में कांस्टेबल आर ओ भर्ती परीक्षाओं की बात करें, पेपर लीक हुआ है उसको लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस सब पर आप? मैं
मैं सीए पे बता दूं कि अभी हमारे मित्र राज शर्मा जी ने कहा कि अभी इस पर बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये पार्टी जब तक स्टैंड नहीं ले लेगी, तो मैं इनको बता दूं कि आज लागू हुआ है ये अधिनियम 2019 का है, तो इनको ये तो पता ही होगा ना कि इसके इन आउट्स क्या है। अगर ये इन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बात अलग है, क्योंकि आज लागू हुआ है। लेकिन ये जो अधिनियम है ये 2019 में आ गया था, तो शायद इनके ये 4-5 साल बहुत होते मुझे लग रहा है कि किसी भी अधिनियम को जानने के लिए। अपने अपनी बारे में बात कर ले सर, अपनी अपनी बारे में बात कर ले। जी जी बिल्कुल। और मैं बता दूं जो ये सीए है जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं 2019 का है, जिसमें 6 जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके लिए भारत सरकार ने भारत के दरवाजे खोल दिए हैं कि अब वो सारे लोग, जैसे कि अभी हमारे जरा साहब ने बहुत क्लियर कट बता दिया। हालांकि इस पर मैं तो सोच रहा था हो सकता है कि कांग्रेस वाले ये कहें कि नहीं नहीं मुसलमानों के लिए बहुत खराब है, लेकिन वो स्वयं में एक मुसलमान है रजा साहब, और उन्होंने इतना क्लियर कट बता दिया कि अब शायद इस पर बोलने से पहले ये लोग सोचेंगे जी। तो इसमें हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई ये 6 ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक है जिनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आ गए थे, ये मतलब मैं एक मोटा माटी बता देता हूँ। देखिए यही एक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर में, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है, कांग्रेस वहां पर तोड़ने की राजनीति करती है। आज इनके जो अन्याय यात्रा लेकर आए हैं राहुल गांधी जी, आप देखेंगे वो उनके हर एक वीडियो में आप देखेंगे कि वो हर जगह राहुल गांधी जी पे डिबेट नहीं है, आप यहाँ पर आओ, आपकी जाति क्या है, राहुल गांधी जी पे डिबेट नहीं है, हर तरीके की मैंने सवाल किया और आपसे पूछा। राज शर्मा जी मैं भी आपके पास आऊंगी, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं आशीष जी, क्या कह रहे हैं सुनते हैं एक बार, फिर मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। राज जी आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, सुनते हैं आशीष जी। इनको पता है कि इनकी पार्टी करती तो कुछ है नहीं, कुछ काम तो अच्छे करे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ तो उसमें ये पांच नहीं कई हजार करोड़ की योजनाएं गिना दूंगा आपको, आप काम तो भूल जाएंगे। बताओ धरातल पर नहीं है वो भी आपको गिनाता हूँ। चलिए अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी राज शर्मा जी, राज शर्मा जी आपके पास आते हैं जी, ये बताइए ये जो अभी राहुल गांधी की बात, जो राहुल गांधी है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपको यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है और कांग्रेस हमेशा तोड़ने की। आप इनके राहुल गांधी के कोई भी वीडियो उठा के देखिए, वो हर वीडियो में आपको ये कहते नजर आ जाएंगे, एक तुम इधर आओ, तुम अपनी जाति बताओ, तुम किस जाति के हो। ये जातियों में भारत को तोड़ने का काम इन्होंने पहले भी करा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय की पार्टी है, तो अंग्रेजों का ही मामला निपटा रहे, डिवाइड एंड रूल से अंग्रेज आए थे और डिवाइड एंड रूल से ये लोग भी आना चाह रहे हैं, और लेकिन ये आ नहीं पाएंगे क्योंकि भारत की जो जनता है वो बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने जो बाहर के हमारे भाई हैं और किसी भी धर्म के हो, जो ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके लिए भारत का दरवाजा हमने खोलने का काम करा है, लेकिन इन्होंने भारत के अंदर रहने वाले लोगों को ही लड़ाने का काम करा। ये लड़ा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लड़ा रहे हैं, जातिगत राजनीति करने से ये लोग। जी आशीष जी आप बता रहे हैं कि बहुत काम किया है, वहीं पे राज जी इसको मानने के तैयार नहीं है, बस बहुत कम समय बचा है। राज शर्मा जी से एक ले लेते, राज शर्मा जी को सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। राज जी तिवारी जी कह रहे थे हम जात की बात कर रहे हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, उपराष्ट्रपति कहते हैं मैं जाट समाज का हूँ। वो बताना पड़ता है जब आप राजनीति करते हैं तब ये बताना पड़ता है कि हम लोग भी कास्ट से ही हैं, लेकिन हम लोग अपनी कास्ट को बेचते नहीं है, आप बेच रहे हैं। और राहुल गांधी जी कौन सी जाति से आपको देश जान नहीं पाया, राहुल गांधी किस जाति से हैं, ये किस धर्म से आते हैं। आशीष जी राज जी बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू हो चुका है और चलता रहेगा। जी जी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये किस धर्म के हैं, राहुल गांधी का धर्म कौन सा है, आज आप राहुल गांधी का राज जी आशीष जी आशीष जी आशीष जी एक राज जी से एक सवाल मैं करना चाहूंगी। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो अमेठी की सीट नहीं बचा पाए थे राहुल गांधी, इस बार क्या लगता है जीतेंगे? अरे हारे तो इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हैं जी, बताइए इस गठबंधन से फायदा होगा, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उससे फायदा होगा, जो मुसलमान वोट पहले बढ़ जाते थे अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा?
फायदा होगा या नहीं होगा ये तो गर्भ में फंसा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बिल्कुल राज शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस जी, कांग्रेस के बता कह रहे हैं कि फायदा होगा कि नहीं, उम्मीद पूरी है कि फायदा होगा, दोनों को होगा, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को होगा। वहीं बिल्कुल आशीष जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप तीनों ने समय निकाला, आशीष जी, राज शर्मा जी, रजा रिजवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या नतीजे आएंगे, क्या किसको फायदा मिलेगा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी से फायदा उठा पाएगी, क्या ये गठबंधन चुनौती पेश कर पाएगा बीजेपी के लिए, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।